हमारे भारतीय सरकार ने या कहें गवर्नमेंट ने एक नया रूल, बड़े यूट्यूबर हो या छोटे यूट्यूबर जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है उसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्टली नियम को या रूल को फॉलो करने का आदेश दिया है। वो रूल ये है कि आपका आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें किसी ब्रांड का स्पॉन्सरशिप ले चुके हैं और उसमें आप उसका पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो एक ऑप्शन होता है चैनल में, आप सेटिंग में जाकर देखोगे तो इंक्लूड पेड प्रमोशन होता है, उसको क्लिक करना है। अगर आप उसको क्लिक नहीं करते हो और इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते हो और अर्निंग करते हो और अगर ये सरकार आपको चेक करती है तो आपका फॉल्ट पाती है तो आपको 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ये मिस्टेक आप रिपीट एंड रिपीट करते जाते हो तो आपको 20 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बड़े और छोटे यूट्यूबर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है या होने वाला हो वो इस चीज़ को ध्यान से देखें। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ मैंने जिनसे ये जो न्यूज मैंने जहाँ से कलेक्ट किया है वहाँ से डीपली जाकर समझ सकते हो। ऐसे तो मैंने ये वीडियो मनोज डे का देखा था, भाई मनोज डे धन्यवाद के हैं उनका देखा था, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए तो जो आज का मेरा टॉपिक उस पर चलते हैं फिल्ट्रेशन के ऊपर। ओके भाई, आपको टैंक में कौन सा मॉडल नंबर लेना है वो है, आप 3 फीट 4 फीट के टैंक में 3880F मॉडल ले सकते हैं सुबह का, वो सबसे बेस्ट होगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि फिल्टर कौन सा लगाए। बहुत सा इंटरनल फिल्टर की बात करते हैं, एक्सटर्नल फिल्टर की बात करते हैं, फिल्टर कौन सा लगाए, टैंक का साइज डायमेंशन मैं पूछता हूँ फिर मैं सजेस्ट करता हूँ। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा फिल्ट्रेशन के ऊपर है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए रहिए, बहुत सा ऐसा फैक्ट हम बताएंगे जो आपको आने वाले समय में सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो बिना स्किप किए हुए चलिए, तो मैं आज ही आपको अपने चैनल लेट्स गो में स्वागत करता हूँ और आज के टॉपिक पे सीधा डायरेक्ट मैं आता हूँ। तो हमारा ये देखिए, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना रखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना साल भर पहले भी। और ये जो मेरा यहाँ का टैंक है इसमें मैंने यही मॉडल 3880 सुबह का यूज़ करता हूँ और जो मेरा मॉन्स्टर टैंक है उसको भी यूज़ करता हूँ। और ये जो मैंने टैंक ये जो फिल्ट्रेशन का जो फिल्टर लाया है पंप लाया है पूरा सेटअप ये मैं ये टाटा टैंक के लिए लाया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और फुल इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा इन शॉर्ट वीडियो में। इन शॉर्ट वीडियो नहीं कहेंगे बट इन शॉर्ट टाइम इंटरवल में, ज़्यादा टाइम मैं आपके आपका लूंगा नहीं क्योंकि मेरा भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। फटाफट मैं सामान को निकाल लेता हूँ, मैंने चेक भी नहीं किया है क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। बॉक्स खाली है, इसका सेटअप मैं देखता हूँ, ऊपर का कवर है, ये है ये पाइप है, चलिए ये है नोजल, ये है मैनुअल गाइड है, इसको छोड़ दीजिए, इसको यहाँ जैसे लगा था इस तरीके से उसको सभी को नीचे रखते हैं। और इस पंप की खासियत है कि ये एडजस्टेबल है, आप अपने साइज अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, इसमें क्या क्या है, तीनों क्या हुआ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब अगर टैंक रख रहे हो तो आप लोग बहुत सी जानते हो, जो नहीं जानते हो आप देखो सारा चीज़ बताने का तो है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ नए व्यूवर्स लिए। ये है इसको अनबॉक्स करते हैं, क्या क्या है सारे को खोल लेते हैं फिर बाद में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा क्या क्या है। लोग जब भी परचेज करें ना पंप में ये पार्ट देखें, ये पार्ट है या नहीं, ये फिक्स नहीं होता है, रिमूवेबल होता है, अगर इसको हम दांत से खींचे तो निकल जाएगा बट इसको खींचना नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये पार्ट हमारा बबल बाहर से एयर को इंटेक करता है, यहाँ से फेंकता है बाहर से, ठीक है। और ये चारों रबर है इसको रखने के लिए। और जो हमारा टॉप फिल्टर का मॉडल है यहाँ पे लिखा रहता है 40 वाट का, 3880 40 वाट का ये टॉप
टॉप फिल्टर का मॉडल है ये, आप 3 फीट से ऊपर 3 फीट और 3 फीट से ऊपर 4 फीट तक के टैंक में इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बट मैं इसको यूज 2 फीट के टैंक में कर रहा हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि 3 फीट के टैंक में 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं चलाता हूँ, 5 मिनट में सारा गंदा खींच लेता है। उसके बाद एरिएशन के लिए एयर स्टोन या वो क्या कहते हैं छोटा वाला फिल्टर स्पॉन्ज फिल्टर आप चला सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं, 1 घंटे से बेसी चलाने की जरूरत नहीं। जब भी गंदा चलेगा 5 मिनट पी रहा हूँ सारा खींच लेगा, इतना पावर है लोगों का 3880 मॉडल नंबर, इसको याद रखिए। तो इसका वायर है, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे, कोई चेक करना चेक करने की जरूरत नहीं। इसका मैं यूज इसको ऐसे लगा देंगे, देखिए यहाँ पे होल बना हुआ है, इसी में से पानी गिरेगा आपको। इसका ये लगेगा कहाँ तो मैं आपको बता दूंगा, ये वाला जो पार्ट है जाली है ये नीचे में सेट हो जाएगा आपको ऐसे, और उसके बाद नहीं सॉरी इससे पहले आपको आपको ये सेट करना होगा, ये यहाँ पे सेट होगा और ये पार्ट को पहले हमको स्पंज की जरूरत पड़ेगी, तो स्पंज साइड में रखा है, मैं आपको लगा नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि स्पंज इसके साथ मिलता नहीं है, आपको परचेस करना होता है। तो मैंने स्पंज परचेस किया है, क्योंकि स्पंज मैं लगा दूंगा ये वाला, सबसे बढ़िया तो वाइट वाला होता है, बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए स्पंज लगाने के बाद ये वाला जो प्लेट है यहाँ पे जो घाट बना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें इसको लगा देना है। अब ये जो हमारा काम है इसको हम यहाँ कर देंगे, कोई भी हार्ट नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। और ये रिजल्ट की तो अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे सारे टैंक में जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं, ये 40 वाट का सुगो का ही लगा हुआ है। ये वाला पाइप यहाँ आ जाएगा, ये बड़ा वाला, इसका दो मोड है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटा वाला इस जगह पे आपको यहाँ फिट होगा, वो पानी के अंदर हम लोग करेंगे। और ये जो पार्ट है ये हम लोग इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, तो वैसे मेरे पास पहले का भी पड़ा हुआ है तो ये फिटिंग मेरा हो गया, टॉप का फिल्टर का जो बॉक्स है उसका फिटिंग हमने कर लिया। अब मैं ये वाला जो वाइट पाइप है मैं इसमें लगा दूंगा, फिल्ट्रेशन साफ करने के लिए यहाँ पे खुलता है, वो मैं बाद में किसी वीडियो में बना दूंगा, बता दूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये यहाँ पे सेट किया है, बहुत ही फोर्स बहुत ज़्यादा है और पानी खींचने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 2500 लीटर पर आवर ये पानी को सर्कुलेट कर देता है, तो आप सोचिए क्या इसका पावर है। अगर आप इसमें इसको छोड़कर आप दूसरे कंपनी का परचेस करते हैं तो उसमें ये पावर लीक इससे बेसी वाट का भी रहेगा, तो लेकिन ऐसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कैप है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं ऊपर में, अगर आप और ये स्टैंड ऐसे दिए तो इस बार टैंक का मैं फिट करूंगा। आइए वहां चलते हैं, और तो कुछ है नहीं, तो नजदीक से देखा ये इसमें डस्ट कितना गंदे करने हैं, देखिए
इसमें कितने सारे गंदे, मैं आपको लाइव प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ, मैं लाइव प्रूफ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। ये टर्टल का टैंक है, रेड ईयर स्लेडेड टर्टल है, ये दो है, मेल फीमेल है। ये टर्टल तो अब ये बॉक्स की बात करते हैं। बॉक्स ने एक पहले सेट करके रखा है, वीडियो में लेता हूँ। ये जो पार्ट है ये हम लोग ऐसे रखेंगे, ये जो होल बना हुआ है ना ये वाला, इसी में इसका ये पार्ट आएगा, ये वाला है ना, एक होल में ऐसे उस पर आराम से रखेंगे, कोई गिरने का चांस नहीं है। ये हमारा टैंक में जाएगा। तो पंप लगाते हैं, ये पंप है मेरा, इसको हम लोग सीधा ऐसे इंसर्ट करेंगे। हमने आधा पानी भर रखा है डेढ़ फीट के टैंक में। अगर आपका डेढ़ फीट का पूरा टैंक है, या तो आप बॉटम में लगाएं या तो यहाँ लगाएं, जिस हिसाब से आपकी मर्जी हो वहाँ लगाएं, वर्क बराबर ही करेगा। व्हाइट वाला जो पाइप है उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये वाला व्हाइट पाइप है जिसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये वाले पाइप को देखें कितना गंदा है। मैंने जो नीचे में जो बालू रखा है उसको साइड किया है। ये पंप लग चुका है यहाँ पर, ये देखिए ऊपर से दिखाइए, यहाँ पे ये वाला मैंने लगा दिया है। ये बाहर आएगा जो उसको खींचेगा, उसका ये कैप खुलता भी है, खुलने की इच्छा तो खुल दीजिए। चलिए तो इससे हम इसका जो आउटलेट का पाइप है ये वाला इसको लगाते हैं, इतना लगाया नहीं था इसलिए लगा देते हैं। तो ये प्लग है, अभी ये पूरा फुल सेटअप हो चुका है, इसको हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट फुल करना। ये देखिए ये कितना सारा डस्ट है, यहाँ देखिए ये सारा खींच लेगा, 5 मिनट के अंदर ये पूरा क्लियर कर देगा। हालांकि ये बेबी टर्टल को बहुत प्रॉब्लम होगा मैं जानता हूँ, बट ये इसमें आदत हो जाएगी, सब हार्डी फील है। देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है ना, अब मैं आपको लाइट लगा कर दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ का अंदर देखिए पानी गिर रहा है ना, ये यहाँ से ये भी खुल जाता है। अगर आप सिरेमिक डालना चाहते हैं तो मैं उसका भी एक वीडियो बना रखा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें ऐसे मीडिया यूज कर सकते हैं, बायो मीडिया। आप ये देखिए कितना सारा, मतलब ये क्लियर हो चुका है, आप देखिए कुछ भी गंदा नहीं है। जो अभी भी थोड़ा बहुत है वो खींच लेगा, वो बाकी काम हमारा स्पॉन फिल्टर पीछे तो है वो कर लेगा। हमारे सारे टैंक में देखिए यही लगा हुआ है, आप यहाँ देखिए इस वाले में यहाँ देखिए है लगा हुआ, तो वो 3888F मॉडल है, ये भी मेरा वही सेम मॉडल है। अगर हम मोटर टैंक की बात करें तो रिसेंटली मेरा नया RS750 का लाया था, जिसका रिव्यू मैंने डाला है, बट ये ठीक नहीं है। इसको स्टार्ट करने के बाद ये बबल्स नहीं देता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बबल्स नहीं दे रहा है, बट यहाँ से पानी गिरने लगेगा। देखिए गिर रहा है, ये पानी यहाँ से खींच रहा है, बट यहाँ से एयर बबल ऊपर देखिए, यहाँ से एयर बबल आपको नहीं दे रहा है, तो इसके लिए इसको स्टार्टिंग टॉर्च चाहिए। देखिए गिरने लगा, इसमें यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करता।
आइए हम अपने टैंक को देखते हैं। हमारा जो आज का वीडियो का मोटिव है कि क्या साफ कर रहा है वो नहीं है, आपको टैंक में कौन सा मॉडल नंबर लेना है वो है। आप 3 फीट 4 फीट के टैंक में 3880F मॉडल ले सकते हैं सुबह का, वो सबसे बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर उससे छोटा टैंक है तो आप 30 वाट का ले सकते हैं। ये जो मैंने 3880F बोला वो 40 वाट का है और आधा घंटा में आपका पूरा टैंक क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मैं 5 से 10 मिनट में मेरा क्लियर होता है, बट ये आधा घंटा में आपको बता देता हूँ। बहुत सा हॉबीज टैंक परचेज करते हैं, उसको 24 आवर चलाते हैं और जितना दिन वो चल सकता है उतना चलाते हैं। वो सही मेथड नहीं है, उससे आपको फिर बहुत बीमार पड़ेगा और स्ट्रेस में जाएगा, धीरे धीरे फिर इसका लाइफ कम होता जाएगा। इसलिए मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप उसको फॉलो करके देखिए। एक छोटा यूट्यूबर हूँ मैंने जो फेस किया मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसलिए कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाबा, टाटा, टेक केयर।